अब दिल्ली वाले ही इस बात का निर्णय करें कि क्या ये न्याय है, क्या ये सही है, क्या दिल्ली वालों को अपनी मेहनत की कमाई के इनकम टैक्स का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जब और राज्य, चाहे कर्नाटका हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, जो हाई इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जब महाराष्ट्र से 5 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स रहता है तो उनको 50,000 करोड़ का एलोकेशन होता है, जब कर्नाटका से 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स जाता है तो उनको 30,000-35,000 करोड़ का एलोकेशन होता है। तो जब दिल्ली वाले 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं तो हमें शेयर इन टैक्सेस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, लोन्स, एडवांसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब मिला के सिर्फ 1,061 करोड़ क्यों मिलता है? जब हम अपने हिस्से का टैक्स देते हैं तो क्यों दिल्ली वालों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? आज दिल्ली वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अंग्रेजों की तरह अत्याचार कर रही है कि जिस तरह से अंग्रेज भारत आते थे, भारत का जो पैसा है वो टैक्स के तौर पर लेकर जाते थे और फिर अपने देश के विकास के लिए लगा देते थे, भारत में कुछ नहीं लगाते थे, भारत को टुकड़े मिलते थे, क्रम्स मिलते थे, आज उसी तरह भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा ले रही है, हर साल 2 लाख करोड़ ले रही है, पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ लिया है और उसके अवज में इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन्स, एडवांसेस, डिजास्टर रिलीफ सब कुछ मिला के मात्र 7,500 करोड़ रुपए दिल्ली वालों को दिया है। तो अब मैं दिल्ली वालों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों के साथ अन्याय क्यों, दिल्ली वालों को अपने हक का पैसा क्यों नहीं मिलता? अगर आप महाराष्ट्र को पैसा दे सकते हैं, कर्नाटका को पैसा दे सकते हैं, मध्य प्रदेश को पैसा दे सकते हैं, तमिलनाडु को पैसा दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल को पैसा दे सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को पैसा दे सकते हैं, तो दिल्ली वालों को भी उनके हक का पैसा मिलना चाहिए, ये दिल्ली वालों की मांग है।